हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ, पार्थ द हंगर फॉर नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक रोबोट बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सभी उसके कंपोनेंट्स हैं। फ्रेंड्स, ये है व्हील्स, 8 व्हील्स लिए हैं हमने गियर मोटर्स के। ये है, ये हमने 4 गियर मोटर्स लिए, गियर बॉक्स लिए हैं, पर इसमें मोटर्स 2 है। इसमें से सिर्फ 2 मोटर्स ही रन करेगी, बाकी 2 मोटर्स इन दोनों की हेल्प से रन करेगी। ये मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया है, ये एक प्लास्टिक की बॉल है, इससे हम रोबोट का हेड बनाएंगे, सिर बनाएंगे। ये मैंने 2 प्लास्टिक के पीसेस लिए हैं और एक छोटा पीस। ये मैंने आयरन के पीसेस पड़े थे मेरे पास, मैंने उन्हें बोल्ट से कनेक्ट करके हेड बना लिया है। अगर आपके पास मेटल के पीस ना हो तो आप कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये बैटरी है 12 वोल्ट की, ये एक ऑन ऑफ स्विच है। एंड फ्रेंड्स, ये एक डांसिंग डॉल थी मेरे पास, तो उसमें से मैंने निकाला ही उसकी मशीनरी है। सबसे पहले हम मोटर्स लेंगे और मैं इन 4 मोटर्स में ये सारे व्हील्स असेंबल कर लेंगे ऐसे। फ्रेंड्स, हमने 4 गियर मोटर्स में 8 व्हील्स लगा दिए। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे हैं। अब ये रोबोट के लेग्स बन चुके हैं। अब हम 2 पाइप के पीसेस लेंगे और उन्हें यहाँ पे स्टिक कर देंगे ग्लू गन की हेल्प से। और हमें इतना स्पेस रखना है इन दोनों के पीछे, बीच में इतना स्पेस रखना है कि ये कार्डबोर्ड का पीस इसमें स्टिक हो जाए ऐसे। तो फ्रेंड्स, अब स्टिक करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने 1 पाइप तो यहाँ पे स्टिक कर लिया है, अब हम दूसरा पाइप यहाँ पे स्टिक कर लेंगे ग्लू गन की हेल्प से। तो उससे पहले हमें कार्डबोर्ड का पीस स्टिक कर लेंगे ग्लू गन की हेल्प से पाइप पे। फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा बना लिया है, इसकी जो बेस बॉडी है वो तो पूरी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने जो ये 2 गियर मोटर्स लिए सिंगल शाफ्ट, हम इन दोनों को यहाँ स्टिक कर देंगे ग्लू गन की हेल्प से। फ्रेंड्स, हमने दोनों सिंगल शाफ्ट गियर मोटर्स तो इसमें स्टिक कर दिया है। अब हमने जो मेटल के पीसेस लिए थे, मेटल पीसेस, हम उन्हें एक स्क्रू की मदद से, नट एंड बोल्ट की मदद से दोनों को अटैच कर देंगे कुछ ऐसे। अब हम ऐसे ही दोनों को स्टिक कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे रोबोट की ये तो कंप्लीट हो गई बॉडी। अब हम इस पे इसके हैंड्स लगाएंगे, अब हम इसे इस पे अटैच कर देंगे ग्लू गन की हेल्प से। फ्रेंड्स, हमारा रोबोट ऑलमोस्ट 80% तो कंप्लीट हो चुका है। इसके व्हील्स लग गए हैं, इसकी मोटर लग गई है, इसके लेग्स लग चुके हैं और इसके हैंड्स लग चुके हैं। अब बस इसका हेड बचा है। हमने एक डॉल की मशीनरी ली है, हम इसे यहाँ पे स्टिक कर देंगे ग्लू गन की हेल्प से। फ्रेंड्स, हमने मशीनरी तो लगा दी है, ये हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉल थी, हम इसे यहाँ पे स्टिक कर देंगे और इसके साथ एक सपोर्टर लगा देंगे। मेरे पास प्लास्टिक का पड़ा था, अगर आपके पास नहीं हो तो आप कार्डबोर्ड का बना सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे इसके ऊपर स्टिक कर दूंगा, फिर इसके ऊपर बॉल स्टिक कर दूंगा ग्लू गन की हेल्प से। फ्रेंड्स, हमारा रोबोट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसको देनी है पावर, सर्किट बनाना है हमें इसमें। हमने इसमें टोटल 5 मोटर्स लगाई है, 2 मोटर्स यहाँ पे, 2 मोटर्स यहाँ पे हैंड्स में और 1 मोटर इसके हेड को रोटेट करेगी। और अब हम इस बैटरी को
यहाँ पे स्टिक कर देंगे ग्लूकोन की हेल्प से, जिससे हमारा सर्किट आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हमारे जो हैंड्स हैं, रोबोट के हैंड्स हैं, उसके वायर्स देखते हैं। ये टू वायर्स हैं हमारी इस मोटर के और ये टू वायर्स हैं हमारी इस मोटर के। तो हम हमारी दोनों मोटर्स के रेड वायर यानी पॉजिटिव वायर एक साथ कनेक्ट कर देंगे। कुछ ऐसे, और इनके जो ब्लैक वायर है यानी नेगेटिव वायर वो एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। और अब हम रोबोट के ये दोनों वायर्स हैं हम इन्हें भी इनसे कनेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स कोई मैटर नहीं करता कि ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम कैसे भी पावर दे सकते हैं। मैं हमारे हेड की मशीनरी की मोटर का पॉजिटिव वायर पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ और नेगेटिव वायर नेगेटिव से। फ्रेंड्स हमारा अपर पार्ट तो पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें हमारे जो लेग्स है, रोबोट के लेग्स है, उसमें से भी टू वायर्स है, मैंने दोनों को कनेक्ट कर लिया पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। और अब हम इन्हें जब यहाँ कनेक्ट करेंगे तो हमें वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वन वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, वन वायर यहाँ पे। फ्रेंड्स, हमने हमारे जो ये टू वायर्स थे नीचे के टू गियर मोटर्स के, हमने उन्हें ये ग्रीन वाला जो नेगेटिव है जो सीधा नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, और रेड वाला ये पर्पल वाला पॉजिटिव है जो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। अब हम बैटरी का नेगेटिव वायर नेगेटिव से कनेक्ट कर लेंगे। और पॉजिटिव वायर ऑन ऑफ स्विच से कनेक्ट कर लेंगे। और एक वायर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने ऑन ऑफ स्विच से बैटरी का पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर दिया था। अब हमने एक पर्पल वायर लिया है जिसे हम ऑन ऑफ स्विच से कनेक्ट करके मोटर्स के वायर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब हम हमारे ऑन ऑफ स्विच को स्टिक कर देंगे ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर। फ्रेंड्स, हमारा रोबोट पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने तीन फंक्शंस डाले हैं, आपने वीडियो में देखा होगा कि सबसे पहले ये आगे जाएगा, दूसरा ये अपनी हेड्स की एक्सरसाइज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और थर्ड ये अपना हेड रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो इसका हेड थोड़ा ऊपर आके रोटेट होने लग जाएगा और फिर नीचे आएगा और रुक जाएगा, एंड ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो आओ फ्रेंड्स इसे टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखा आपने कि ये कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, ये अपने हैंड्स को भी मूव कर रहा है और ये चल भी रहा है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमारे रोबोट की हेड कैसे मूव करता है। फ्रेंड्स, अब ये नहीं वर्क कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और रोटेट करने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये रोटेट कर रहा है, अब थोड़ी देर बाद ये डाउनवर्ड आ गया। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स अभी स्टॉप हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और रोबोट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे वो लोग भी सीख पाएं कि एक रोबोट कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।